कमलनाथ सरकार वचन पत्र के वादे को पूरा करते हुए अब व्यापम को लेकर बड़ा फैसला करने की तैयारी में। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती कराने वाले प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम को सरकार बंद करेगी, इसकी जगह कर्मचारी चयन आयोग लाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग इसका मसौदा भी तैयार कर चुका है, इसमें विधायकों को भी बतौर सदस्य रखा जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के वचन पत्र में व्यापम को बंद करने का वादा किया था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस कार्रवाई को अंजाम देने की म्याद 15 दिन रखी थी। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद से व्यापम को बंद करने और नई संस्था के रूप में मंथन शुरू हो गया था। जनवरी में जब विभागों ने वचन पत्र के वादों को परीक्षण करने की कार्रवाई शुरू की तो सामान्य प्रशासन विभाग ने व्यापम का मामला तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंप दिया। विभाग इसकी प्रारंभिक तैयारियां भी शुरू कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित मसौदे की नई संस्था में 31 सदस्य रखे जाएंगे। इनमें से 13-14 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य होंगे। वहीं 11 सदस्यों को सरकार मनोनीत करेगी, साथ ही 2 विधायकों को भी सदस्य नियुक्त किया जाएगा। वहीं इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कमलनाथ ही करेंगे।